नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं समय की बड़ी खबर। आज सीहोर में सोनोग्राफी व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता संजय महाजन ने किया अनशन। जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आज अटल चौराहा पर वरिष्ठ भाजपा नेता संजय महाजन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय अनशन कर जोरदार नारेबाजी के बीच अपना विरोध जताया। संजय महाजन का कहना है कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो है पर उसको चलाने वाले चिकित्सक नहीं है, इसका फायदा निजी सोनोग्राफी सेंटर उठा रहे हैं। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर नगर के अटल चौराहे पर भाजपा नेता सन्नी गौरव महाजन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के बीच जिला अस्पताल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मांग रखी है कि एक सप्ताह में व्यवस्था नहीं सुधरी तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये है कि विगत 5 वर्षों से जो शासन की व्यवस्था जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क सोनोग्राफी की, सीहोर चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीनें सब है, मगर पिछले 5 वर्षों से सोनोग्राफी बंद पड़ी है। आम जन परेशान है और प्राइवेट सेंटरों में जाके सोनोग्राफी हो रही है। ये सरासर जनता के साथ अन्याय है। प्राइवेट अगर महिलाएं प्रसूति के लिए जाती हैं तो उन्हें प्राइवेट भेजने का दबाव दिया जाता है, अगर वो वहाँ प्राइवेट अस्पताल नहीं जाती तो उन्हें रिफ़र कर दिया जाता है। ये आए दिन की वहाँ की शिकायतें हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिए हैं लेकिन आज तक उन्हें व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, निःशुल्क सोनोग्राफी चालू नहीं हुई। इस मुद्दे के लेकर आज शाम 6 से 9 बजे तक का हमने अनशन दिया है अटल चौक पे अटल जी की मूर्ति के समक्ष। इन मुद्दों को लेकर हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।